हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ चुका है और अगर लौकी का रायता मिल जाए हमें खाने के साथ तो बात ही कुछ और होती है। लौकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है और मैंने इस लौकी के रायता को हलवाई स्टाइल में बनाया है, तो आप इसे अपने डेली के खाने और किसी पार्टी में भी बनाकर अपने गेस्ट को परोस सकते हैं। लौकी का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी एक मीडियम साइज की, जो कि लगभग 150 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छी तरह से छीलकर धोकर कद्दूकस कर लिया है। ताजा ठंडा दही 200 ग्राम, सरसों का तेल 3 टेबलस्पून, चाट मसाला 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक स्वादानुसार, काला नमक 1/3 टेबलस्पून या स्वादानुसार, दो पीस हरा मिर्च बारीक कटा हुआ, 2 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, दरदरा कूटा हुआ राई या काला सरसों 1/2 टेबलस्पून, अनार दाना 2 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है, भुना हुआ अजवाइन 1/3 टेबलस्पून, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 टेबलस्पून। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ लगभग 250 ml वाटर कढ़ाई में ऐड किया है और अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ लौकी डालकर 1 से 2 मिनट इसे गर्म पानी में बॉईल करेंगे। हमें ज्यादा नहीं बॉईल करना है कद्दू को, सिर्फ हमारा कद्दू थोड़ा नॉर्मल सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। इसे ढककर आप 1 से 2 मिनट बॉईल करें मीडियम फ्लेम पे। लौकी मीडियम फ्लेम पे बॉईल हो रही है। अगर आप लौकी को बॉईल नहीं करना चाहते हैं तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे। देखिए हमारा लौकी सॉफ्ट हो चुका है, अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और स्ट्रेनर की सहायता से जो उबाली हुई लौकी में जो एक्स्ट्रा वाटर बचा है उसे निकाल लेंगे। 5 से 10 मिनट इसे छोड़। 5 से 10 मिनट हो चुका है और लौकी का जो भी एक्सेस वाटर था वो निकल चुका है, आप देख सकते हैं। और आप इस वाटर को वेस्ट ना करें, इसे आप लौकी का सूप बनाने में या एज ए वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं। अब हम रायता बनाने से पहले दही को अच्छी तरह से एक बार फेंट लेंगे कि हमारे दही स्मूथ हो जाए। अब हम इसमें अपना बॉइल किया हुआ लौकी डालेंगे। लौकी डालकर आप एक बार इसे दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर दें और इसके बाद हम अब मसाला ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक, 3 टेबलस्पून ऑयल, सरसों का तेल, यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, इससे रायता का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप कच्चा सरसों तेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह तड़का भी लगा सकते हैं। चाट मसाला, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, दरदरा कूटा हुआ काला सरसों या राई, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हमने यहाँ पे हरा मिर्च भी यूज किया है इसीलिए लाल मिर्च पाउडर थोड़ा कम यूज करें, नमक स्वादानुसार, यहाँ पर हमने काला नमक और चाट मसाला भी यूज किया इसलिए सादा नमक आप थोड़ा कम डालें, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब हम इसमें थोड़ा सा अनार दाना डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो डालें, अगर आपको अनार दाना नहीं पसंद है तो आप ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं। अनार दाना डालने से का स्वाद और भी अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर
से डाल के हम इसकी गार्निश करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऊपर से डालेंगे हम। लौकी के रायता को आप इस तरह से गार्निश कर अपने गेस्ट को सर्व करें और ये खाने में भी काफी स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको मेरे लौकी के रायता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और अपना फीडबैक जरूर दें मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं अपने चैनल को अच्छा बना सकूं और आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आती रहूं। So have a nice day and bye bye.